सन 2004 से 2007 तक दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां एक कंपनी को खरीदने में लगी हुई थी। फ्रेंडस्टर, गूगल, द वॉशिंगटन पोस्ट, वायाकॉम, माइस्पेस, न्यूज कॉर्प, एनबीसी, याहू, एओएल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी की सारी कंपनियां एक कंपनी के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। सब चाहते थे कि कैसे भी करके वो कंपनी हमारी हो जाए, क्योंकि सबको उसमें भविष्य नजर आ रहा था। और एक दिन जून 2006 में उस कंपनी का मालिक याहू से बात करने के लिए तैयार हुआ और 22 साल का एक लड़का बड़े ही कैजुअली टहलता हुआ उस कमरे में आया और उस कमरे में एक बहुत ही दिग्गज हस्ती बैठी हुई थी जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक पीटर गेल थे। पीटर साहब को लगा कि ये लड़का आज 1 बिलियन लेगा और यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि 22 साल की उम्र में यहाँ के लड़कों को रजिस्ट्री कराना नहीं आता, बैंक का काम करना नहीं आता। उस उम्र में एक लड़के को एक नई कंपनी के 1 बिलियन का ऑफर। लेकिन वो युवा घूमता हुआ आया और आकर कहता है कि फटाफट 10 मिनट में बात खत्म करो, क्योंकि मेरे को कोई कंपनी वंपनी बेचनी नहीं है, मैं तो खाली ये देखने आया हूँ कि मेरी कंपनी का मोल क्या लगता है। और दोस्तों, वो कंपनी का नाम है फेसबुक और उस लड़के का नाम था मार्क ज़करबर्ग। और फेसबुक आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है और फेसबुक का वैल्यूएशन 967 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके के रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।